अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने जो बर्ड्स हैं उनको दाना डालना है आज, क्योंकि इनको इनका दाना कम रह गया। तो आज इनका दाना और पानी सबसे पहले ये चेंज करेंगे और फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। और आज हमें, मैं बता दूं कि हमें आज अभी नर्सरी भी जाना है, सुबह का ही टाइम है, तो इंशाल्लाह दाना डाल के नर्सरी जाएंगे, वहाँ से कुछ जो है प्लांट्स अभी लेके आएंगे। तो चलें जल्दी से दाना डाल लेते हैं और कुछ छोटा मोटा काम हुआ करके तो नर्सरी चलते हैं। वहाँ से मैंने क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ दरमियान में। और हम अपने तोतों और फख्ता के लिए जो है वो ये ग्रीन में लेके आए हैं जी मेथी, तो ये भी इनको डाल देंगे। तो इसको पहले आधा आधा कर लेते हैं। इतनी सी जो है ये हमारी डव के लिए काफ़ी होगी, पता नहीं ये खाती हैं कि नहीं शौक से, पहली दफ़ा इनको ये डाल रहे हैं। और तोते जो हैं वो तो खा लेते हैं, इनको मैं पहले भी डालता रहता हूँ। तो ये अब ये इंजॉय करते हैं, तब तक जो है हम इनके, मैंने बर्तन निकाल लिए हैं, पानी वाले निकाल लिए, उनके अंदर दाना भर लेते हैं। ये दाना हो गया जी दो जो हैं हमारे तोतों के लिए, और एक ये कंगनी हो गई, देसी कंगनी इसको कहते हैं। और ये जो है ना इनको अपनी फाख्ता को, टब को डालेंगे। तो ये हमारे बर्तन तैयार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह दाना डाल दिए, और पैरट्स भी और डव भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश हैं अपने अपने केज में और इन्जॉय कर रहे हैं। मेरे सेल वाले प्लांट्स जब भी किसी को जाने हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ तैयार करके भेजूँ अगर मेरे पास टाइम हो। तो आज जो है ये प्लांट्स कुछ सेल वाले जाने हैं, ये एक ही हमारे मेंबर हैं, उन्होंने लिए हैं, ये मोजीटो भी उन्होंने लिया है। तो ये प्लांट्स जो हैं उनको जाने हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह इनको अभी जो है तैयार करके तो फिर इनको भेजूँगा। ये जो है ना ये मोजीटो जो प्लांट है, इसको हम फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसको फर्टिलाइज़ किया हुआ है तो फ्रेश ही, तो इसलिए इसको नहीं करेंगे। और माशाल्लाह प्लांट आप देख सकते हैं कि
बाकी प्लांट्स भी आपने देखे, और ये मोजीटो भी डबल माशाल्लाह ये प्लांट बन रहा है यहाँ से, इसको डबल भी किया जा सकता है। तो हम आ चुके हैं जी सब्ज़ादार, और हमें लेनी है स्वीट पोटैटो वाइन। ये जो है तीन कलर्स में आती है, और जो ब्राउन कलर होता है ना उसमें एक शेप डिफरेंट आती है, मतलब कि चार किस्म के हमने लेनी है। तो इस यहाँ पे तकरीबन चार नर्सरीज हैं, तो यहाँ पे देखते हैं और ढूंढते हैं जी किस नर्सरी से हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये एक नर्सरी पहुँचे हैं, ये बाबा जी मैंने वीडियो भी ज़रा बनाई हुई है इनकी, अनवर नर्सरी नाम है। तो देखते हैं इनसे मिलती है कि नहीं मिलती। तो इनके पास ही मुझे ये मार्बल क्वीन प्लांट मिले हैं, ये देखिए माशाल्लाह हेल्दी प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं। और लेकिन मसला ये है कि इसका वो जो प्राइस बता रहे हैं वो 3500 बता रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे अपने न्यू प्लांट्स के लिए जो है वो सबसे जो एक मुझे चीज़ ज़रूरत थी वो मिली तो सही, लेकिन जैसा ये है स्वीट पोटैटो वाइन ग्रीन कलर में, और ये है जी चिपरी बेल, ये कहने का कलर बड़ा प्यारा आया। बाकी एक और ये जो पर्पल वाली गोल शेप में मिली है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 350 है, जो कि बहुत हाई है। तो आप जो है ना अगली नर्सरी चलेंगे, यहाँ से तो सिर्फ एक पुदीने का पॉट लिया, तो अब अगली नर्सरी चलते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ कोई अच्छी चीज़ मिले हमें। तो अभी मैं आया हूँ जी चाचा रांझे की नर्सरी में, जो कि फौत हो गए, अल्लाह उनकी मगफ़िरत फरमाए। तो उनकी नर्सरी भी खैर जगह तब्दील हो गई थी, तो अब मैं अब काफ़ी टाइम के बाद उनकी नर्सरी में आया हूँ, और यहाँ से मुझे जो है ना दो वैरायटीज़ मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वैरायटी उसके साथ नर्सरी है वहाँ से मिल गई है। तो अब इनको घर ले चलते हैं, और घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटीज़ मुझे मिल चुकी हैं। तो ये प्लांट हम कुछ ले के आए हैं अपने, सबसे पहले तो जो मैं लेने गया था वो ये वाइन थी स्वीट पोटैटो वाइन, ये मुझे चार तरह की चाहिए थी लेकिन तीन तरह की मिली, एक नहीं मिली। और फिर जब नर्सरी में गए हुए हो ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर बंदा ले ही जाता है एक्स्ट्रा, हालांकि मैंने इरादा किया था कुछ नहीं लेना। एक ये मैंने पुदीने का पॉट लिया, ये मुझे मैंने कहा इसको ग्रो करें हम भी। और इसके अलावा ये दो मैंने हाइब्रिड बैंगन के प्लांट लिए, ये मुझे अच्छे लगे, कोई वैरायटी भी डिफरेंट हैं दोनों की, इसमें से निकलना मुश्किल है इसका। और एक ये जो स्वीट पोटैटो वाइन जो रेगुलर हमारा कलर है लाइट ग्रीन ये वाला, माशाल्लाह हेल्दी प्लांट है, प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और एक मैंने शेड जो लिया वो ये वाला है पर्पल में, लेकिन गोल पत्तों वाला। और जो इसके अलावा है वो है जी पर्पल में, लेकिन दूसरे इसके जो लीव्स की शेप है वो डिफरेंट है थोड़ी। एक मैंने इसका पॉट लिया, ये भी माशाल्लाह हेल्दी प्लांट है। सारे प्लांट्स जो मैंने बड़े चुन के ढूंढ के जो है ना निकाले हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा जो मैंने ली है जी एक ये बटन वाइन, ये इस पर फूल भी मैंने ढूंढ के निकाला फूलों वाला दिखाने के लिए। इसके ऐसे छोटे छोटे से फूल आते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, ये मेरे पास पहले भी थी, दो थी लेकिन वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लांट से तब, और कहीं वो ख़राब हो गई मुझे पता नहीं लगा। तो ये कल नज़र आई तो मुझे अपने वो प्लांट्स भी याद आए कि मेरे पास तो ये थी। तो ये जो है ना ये माशाल्लाह देख सकते हैं इसकी, ये काफ़ी बड़ी ये वाइन है, ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। और इसके अलावा ये दो बैंगन के पौधे हैं, ये इसके साथ मैं लेके आया। तो ये मेरी जो है ये शॉपिंग थी, लेने में गया था स्वीट पोटैटो वाइन। हाँ इसमें हमारे पास एक कलर जो है ना वो रह गया, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही आएगा तो वो मैं लेके आऊँ, मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढूंगा उसको। वो ग्रीन कलर होता है, वो कमल ग्रीन होता है, और
उसके नीचे मैंने सुना है कि शकरकंदी भी बनती है, वो असल वही होती है। ये तो वैसे है ना, सिर्फ कलर्स हैं और नाम है इसका, लेकिन वो असल में होती है, उसके नीचे शकरकंदी भी बनती है। मेरे पास पहले थी भी, इस क्यारी में लगी होती थी, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह उसको ढूंढेंगे, जैसे मिलेगी तो ज़रूर वो अपने पास लाएंगे। तो इसको करते हैं जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।